कब-कब हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट में रिलेशनशिप कैसा होता है, ये आप क्वेश्चन फॉर्म में भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखा है, या फिर एज अ टॉपिक भी आप इसको देख सकते हो कि कब कब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड तब तब होती है जब, ऐसे सोचना कि हम कब डिमांड करेंगे डॉलर्स की, जब हमें बाहर घूमने जाना हो, मतलब हमें टूरिज्म के लिए, ट्रैवल पर्पस के लिए बाहर जाना पड़े, तब हम डॉलर्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर्स। या फिर जब हमें बाहर से गुड्स इंपोर्ट करने हो, खरीदने हो, क्योंकि हम पेमेंट रुपी के टर्म्स में तो करेंगे नहीं, हम किसके टर्म्स में करेंगे, डॉलर्स के टर्म्स में, तब हम डिमांड करते हैं डॉलर्स की। या फिर हमें बाहर इन्वेस्टमेंट करनी हो, हमें बाहर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी हो, तब हम डिमांड करते हैं किसकी, डॉलर्स की। या फिर हमने बाहर से कुछ बोरोइंग्स कर रखी हैं, उन बोरोइंग्स को हमें रीपे करना है, दैट इज पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, तब हम डिमांड करते हैं किसकी, फॉरेन करेंसी की। या फिर आपको स्पेक्युलेटिव परचेजेस करनी है, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, जस्ट लाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तब आप डिमांड करते हो फॉरेन करेंसी की। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि कब कब हमें डॉलर्स की नीड है, कब कब हम डिमांड करते हैं डॉलर्स की, दैट इज द फॉरेन करेंसी। तो जब भी डिमांड की बात होगी तो हमेशा आप अपनी तरफ से सोचोगे कि हमें डॉलर्स कब कब चाहिए, पॉइंट्स खुद बनेंगे। अब जरा देखिए, अभी तक जो हमने पार्ट किया वो पहला पार्ट था, हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब होती है, तो डिफरेंट पॉइंट्स वे डिस्कस्ड है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बताओ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में, डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। मैंने ये लिया कि एक डॉलर था 70 रुपीस का, और फिर एक डॉलर हो गया फॉर एग्जाम्पल 75 का। एक डॉलर पहले 70 का था, अब कितने का हो गया, 75 का, इंक्रीज हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले ये था फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब बढ़ के कितना हो गया, 75। मुझे इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशन है। तो ढंग से सुनना जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, हम जब भी डिमांड की बात करते हैं तो हमेशा पहले रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज सोचेंगे। तो हम कैसे बोलते हैं, देखिए हम बोलते हैं, पहले 70 रुपीस खर्च करके मुझे एक डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स यूएस से मिल रहे थे, कितने रुपए खर्च करके, 70। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो मुझे 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, मगर मुझे क्वांटिटी तो सेम ही मिल रही है, दैट इज एक डॉलर। पहले 70 रुपए का एक डॉलर था, अब 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं फॉर द सेम डॉलर। इसका मतलब मुझे उनकी करेंसी चीपर लग रही है या कॉस्टली लग रही है, कॉस्टली, क्योंकि मुझे 5 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ रहे हैं फॉर द सेम क्वांटिटी, दैट इज 1 डॉलर। इसका मतलब कि आप बीइंग अ कंज्यूमर ज्यादा डॉलर्स की मांग करेंगे या कम, मतलब ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे या कम, कम। इसका मतलब कि जैसे ही, देखो इधर, अभी हम डायग्राम बाद में बनाएंगे, जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ा 70 से 75 हुआ, 75 हुआ, वैसे ही आपने डिमांड डॉलर्स की ज्यादा की या कम, कम। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई यहां से, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, दैट ऑलवेज शोज कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। कैसे रिलेशनशिप दिख रही है, अ नेगेटिव रिलेशनशिप विजिबल है। अब अगर यही सेम चीज मुझे डायग्राम में दिखानी पड़े तो क्या करेंगे, बहुत बेसिक चीज, बहुत बेसिक। देखो इधर, तुम्हें याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड कर्व बनाते थे, माइक्रो में हमने डिमांड भी बनाया, सप्लाई भी बनाया। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता था, सेम होगा ऐसे, मगर वहां पे प्राइस के साथ रिलेशन देखते थे डिमांड का, यहाँ पे प्राइस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट, इसके साथ हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप। तो जरा देखो, हम
एक्स एक्सिस पे हमने लिया डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, मैं आपको एफ सी लिख रही हूँ सिंपल टर्म्स में, और यहाँ पे मैंने लिया रेट ऑफ एक्सचेंज लिखो या फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखो, दोनों का मतलब सेम है, रेट ऑफ एक्सचेंज। एक डॉलर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 70, आई होप आपको दिख रहा है, एक डॉलर कितना था 70, फिर एक डॉलर कितना हो गया 75 रुपीज, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल जब एक डॉलर 70 था तो मैं कुछ ये क्वांटिटी परचेज कर रही थी, क्यों, जैसे ही ये बढ़ा वैसे ही जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो क्या हो गई, डिक्रीज। जैसे ही 70-75 हुआ मैंने डिमांड कम कर दी, तो मेरा जो डिमांड कर्व बना वो कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग एज रिप्रेजेंटेड, या नेम हमने किया उसको डीडी, आप कैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल डीडी भी लिख सकते हो आप, डीडी से हमने डिमांड कर्व को डिटरमाइन किया। मतलब अगर तुमसे पूछा जाता है कि कभी भी डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट में रिलेशनशिप दिखाओ विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल आपने इस फॉर्म में लिया, मैंने एक्सचेंज रेट को बढ़ाते हुए दिखाया है, अब घटाते हुए भी दिखा सकते हो, वो हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, नेगेटिव रिलेशन दिखेगा और डायग्राम हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही जाएगा क्योंकि रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव, तो द कर्व विल ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये है कि डिमांड कर्व बनता कैसे है फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही फन और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए विद ऑफ क्लासेस डाउनलोड द ऐप नाउ।